हेलो एवरीवन, मैं शिवम द्विवेदी स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का अपनी इस क्लास में। आज की इस क्लास में हम आपको कक्षा 10 के चौथे अध्याय जिसका नाम है द्विघात समीकरण, इस अध्याय की 4G एक्सरसाइज पहले ही बताना चाहेंगे कि 4G एक्सरसाइज में कुछ बहुविकल्पी क्वेश्चन हैं तो उनको आप स्वयं हल करेंगे, लेकिन इसके कुछ NCERT क्वेश्चन हैं जो आपके पेपर में 6 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। मात्र 3 NCERT क्वेश्चन हैं और तीनों NCERT क्वेश्चन को आपको करना है। एक क्वेश्चन और है और वो क्वेश्चन है हमारा हौज वाला, पानी के नल वाला, उसे आपको नहीं करना है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं पूछा जा सकता है। तो बाकी जो बच्चे 3 क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन को आज हम हल करेंगे और इन क्वेश्चन को आप हल करने के बाद सीखेंगे कि कैसे इन क्वेश्चंस का आंसर हम लोग निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष बाद उसकी आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इसे कैसे करेंगे, आपने जैसा पिछले चैप्टर में पढ़ा है या फिर पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा है तो वैसे ही क्वेश्चंस को हल करेंगे। आयु वाला प्रश्न है और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस तरीके के प्रश्न आपने तीसरे चैप्टर में भी हल किए हैं। तो शुरुआत करते हैं। लिखा है 3 वर्ष पूर्व और लास्ट में लिखा है उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो जो ज्ञात करना है उसे हम लोग पहले मान लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे माना रहमान की, देखिएगा इसका जो इसके बाद वाला क्वेश्चन है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। माना रहमान की वर्तमान आयु, क्या मानेंगे हम लोग, रहमान की वर्तमान आयु क्या मान लेते हैं, एक्स वर्ष है। अब उसके बाद देखिएगा लिखा है 3 वर्ष पूर्व, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, फिर लिखा है रहमान की आयु का व्युत्क्रम, तो डायरेक्ट करते हैं क्या लिखेंगे, व्युत्क्रम का मतलब 1/उल्टा है ना, 1/x लिखेंगे। तो क्या हो गया कि 1/उल्टा निकल गया मुंह से, कोई बात नहीं, 3 वर्ष पूर्व तो क्या लिखेंगे 1/x और 3 वर्ष पूर्व इसका मतलब 3 इसमें से घटा देना। क्या हुआ कि रहमान की आयु कितनी थी x वर्ष, उसमें से 3 घटाया तो क्या हुआ कि रहमान की आयु में से 3 घट गया और उसके बाद उसका व्युत्क्रम हो गया। तो इतना समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार फिर क्या करना है, करना है कि अब से 5 वर्ष, तो अभी इसकी रहमान की आयु कितनी है x, 5 वर्ष बाद कह रहा है तो 5 इसमें हम लोग जोड़ देंगे, तो क्या हुआ उसका व्युत्क्रम कर दिया, 1/x+5 हो गया। बस इतना यदि आप समझ गए तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। फिर लिखा है का योग, इसका मतलब इन दोनों को जोड़ देंगे आपस में और बराबर कितना लाना है, 1/3 लाना है। फिर से एक बार बताते हैं, ये लिखा है रहमान की वर्तमान आयु, तो 3 साल पहले x-3, फिर व्युत्क्रम किया तो 1/ लिख दिया। इसी प्रकार x है, x में 5 जोड़ा क्योंकि बाद कहा था, उसके बाद उसका व्युत्क्रम कर दिया। अब इसको लासा लेकर हल कर देना है और एक द्विघात समीकरण बनाना है। जैसे ही लासा लेंगे तो क्या होगा, x-3 और x+5 होगा। x-3 से x-3 कैंसिल हुआ, x+5 हो गया, प्लस लगाया, इससे ये कैंसिल हुआ, x-3 हो गया, तो x-3 हो गया, बराबर कितना हो गया, 1/3 हो गया। x और x जुड़ के कितने हो गए, 2x हो गए, 5 में से 3 चले गए, कितने बचे, 5 में से 3 चले गए, कितने बचे, 2 बचे। उसके बाद इस x का इस x से गुणा होगा x2, x का 5 से होगा तो कितना होगा 5x, x का 3 से होगा तो माइनस का 3x और 5 यहाँ कितना होगा माइनस का 15 होगा और बराबर कितना होगा 1/3 होगा। उसके बाद क्या करेंगे, बहुत ध्यान से, सबको पता है कि इसको इससे गुणा करना है, इसको इससे करना है, लेकिन पहले इसे नीचे सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो गया 2x+2, हाँ ऊपर कॉमन भी मिल सकता था लेकिन कॉमन लेके क्वेश्चन को बड़ा ही बनाते, आसान नहीं हो पाता। तो क्या लिखा, x2, 5x में 3 चले गए, कितने बचे, प्लस के 2x और माइनस के 15 और बराबर कितना हो गया 1/3 हो गया। उम्मीद है इतना समझ में आ रहा होगा। अब इसको 1 से गुणा करना है तो वही आ जाएगा, x2 प्लस का 2x माइनस के 15। उसके बाद 3 से इसका गुणा करेंगे तो 3 × 6x + 3 × 6, सबको इधर ले आएंगे तो क्या होगा x2 प्लस का 2x और ये 6x इधर आएगा तो माइनस का 6x। अब ये माइनस के 15 लिखे हुए हैं और 6 इधर आएंगे तो माइनस का 6 बराबर कितना, 0। क्या किया गया, पहले x2 वाला, फिर x वाला और फिर अचर पद को लिखा गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, लिखेंगे x2, 2x में 6x चले गए, माइनस का कितना बचेगा 4x और 15 6 जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे 21, बराबर कितना हो जाएगा 0। अब देखिए बहुत ध्यान से, लिखा है 21 के ऐसे खंड करने हैं कि घटाने पे 4 आए, 21 के ऐसे खंड कि घटाने पे कितना आए, 4 आए, तो 7 + 21 मतलब कि 7 में 3 को आपको घटाना है। तो क्या लिखेंगे, लाइन खींचेंगे और इधर हो गया x2 - x ब्रैकेट में 7 - 3 और माइनस का 21 बराबर कितना 0।
एक्स स्क्वायर हुआ, माइनस का 7x हुआ, माइनस माइनस प्लस का 3x हुआ और माइनस का 21 बराबर 0 हो गया। इन दोनों में कॉमन ले लेंगे, जैसे ही कॉमन लेंगे x x माइनस 7 बचेगा, फिर प्लस का 3, फिर x माइनस 7 बराबर कितना 0 होगा। क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में x माइनस 7 और दूसरे में x प्लस 3 बराबर कितना 0 लिख दिया जाएगा। अब क्या करना है आपको, लाइन खींचनी है और लिखना है x माइनस 7 बराबर 0 और x प्लस 3 बराबर 0। x 3 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस में क्या आयु हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती है, तो क्या लिख देंगे, अमान्य लिख देंगे और x बराबर 7 आ जाएगा। देखिए मैंने थोड़ा सा स्पीड में क्वेश्चंस को बताया है, लेकिन यदि आप बहुत आसानी से सीखना चाहते हैं तो पिछले वीडियोस को जरूर देखें, उन वीडियोस में मैंने बहुत ही बेसिक तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। तो x बराबर क्या आ गया है, 7 आ गया है, तो आपको क्या लिखना है, लिखना है अतः वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, वर्तमान आयु हो जाएगी 7 वर्ष होगी। इस तरीके से ये क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है, लेकिन इसके बाद का क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे यहां से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद का क्वेश्चन हम आपको अभी बताते हैं। अब जो ये क्वेश्चन हम लोगों के सामने लिखा हुआ है, इस तरीके का क्वेश्चन आपने पिछली क्लास में भी किया है, अंतर बस इतना था कि यहां पे लिखा हुआ एक घंटा कम समय लगता है और पिछले क्वेश्चन में लिखा था 48 मिनट कम समय लगता है, उसका आंसर 45 किलोमीटर प्रति घंटा आया था, इसका आंसर 40 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन वो क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन था, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को। लिखा है एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, इसका मतलब यह है कि रेलगाड़ी है और वो रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। फिर लिखा है यदि इस रेलगाड़ी की चाल जो है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है तो वह उसी यात्रा में एक घंटा का कम समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए, बहुत आसान है, 6 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले लिखेंगे माना रेलगाड़ी की चाल, क्या लिखेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल कितनी मान लेंगे, रेलगाड़ी की चाल को माना रेलगाड़ी की चाल एक्स किलोमीटर प्रति घंटा है, क्या ये मान लेंगे कि कितनी है एक्स किलोमीटर प्रति घंटा है। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले लाइन खींचनी है, इसके दो केस बनाने हैं। पहले केस में आप चाल लिखेंगे, उसकी दूरी लिखेंगे और समय लिखेंगे, बस इसी तरीके से इस क्वेश्चन को किया कीजिए ताकि आपको आसानी से क्वेश्चन का हल मिल जाए। इस प्रकार दूसरी स्थिति में भी चाल लिखेंगे और समय लिखेंगे और उसके बाद इसकी दूरी लिखेंगे, बहुत आसान तरीका है ये आपको क्वेश्चन करने के लिए। तो क्या है, पहली स्थिति में हम लोगों ने चाल कितनी मानी है x किलोमीटर प्रति घंटा, तो कितनी मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा मान ली। उसके बाद क्या है, समय कितना लगता है, मान लीजिए कि जब 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो उसको समय लगता है t घंटा। उसके बाद क्योंकि t हमें निकालना नहीं इसीलिए हमने उसको माना नहीं है। दूरी कितनी है, दूरी है 360, इसका मतलब ये हुआ कि जब वो x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो 360 किलोमीटर दूरी तय करने में उसको t घंटा लगता है। लेकिन उसके बाद अब देखिएगा, बहुत आसान हम आपको बताने वाले हैं। उसके बाद कह रहा है चाल में बढ़ोतरी कर दी जाए, कितनी चाल बढ़ा दी जाए, 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, तो पहले चाल कितनी है x, अब 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, तो ये हो गया x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद अब क्या कीजिएगा, समय क्या है, समय एक घंटा कम हो जाता है, तो समय अभी कितना है t, उसमें से एक घंटा कम हो जाता है। पिछली क्लास में क्या था कि यहाँ पे 48 मिनट थे तो 60 से डिवाइड करना पड़ा था, लेकिन क्या इस क्वेश्चन में करना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये एक घंटा ही लिखा हुआ है। उसके बाद ये क्या हो गया, एक बहुत आसान क्वेश्चन है, और दूरी कितनी है, दूरी है 360 किलोमीटर। बस अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है आप देखते जाइए। तो आप एक फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला जानते हैं, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है, सबको पता है ये फॉर्मूला, चाल बराबर दूरी बटे समय, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। दूरी कितनी है, दूरी है 360 और चाल कितनी है, चाल है हमारी x, तो x लिख दिया गया। समय कितना है t और इसे समीकरण नंबर कितना मान लिया, एक मान लिया। इसी प्रकार इधर भी लिखेंगे, इधर कितनी कितना है समय और उसके बाद दूरी और बटे में क्या लिखेंगे, लिखेंगे चाल। देखिएगा दूरी कितनी है 360, चाल कितनी है x प्लस 5 और समय कितना है, समय है t माइनस 1 और यह है समीकरण नंबर 2। अब आपको बस क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को किसी प्रकार हल करना है, तो यहां पे प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करेंगे, लिखेंगे
कि समीकरण एक का मान उठाकर दो में रखने पर। क्यों समीकरण एक का मान दो में रखेंगे? क्योंकि जैसे ही आप इस मान को रखेंगे यहां से t गायब हो जाएगा और x में ये पूरा समीकरण चेंज हो जाएगा और यहीं से आपका x का आंसर आ जाएगा। तो क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण, बहुत आसान है, समीकरण एक का मान समीकरण दो में रखने पर, समीकरण दो में रखने पर। अब आप देख रहे हैं कि समीकरण जो नंबर दो है वो क्या है, वो है t माइनस एक बराबर 360 बटे में कितना x प्लस 5। अब आपको करना क्या है, t के स्थान पे 360 बटे x लिखना है, तो हम लोग यहां लिखेंगे 360 बटे में x। उसके बाद ये वाला पार्ट चाहे आप तो इधर ले आइए, इधर ले आएंगे तो 360 x प्लस 5 हो जाएगा, ये एक जब आप उधर लेकर जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। अब आप क्या कीजिएगा, इसमें आप लासा ले लीजिए, तो लासा लेंगे क्या आएगा x और x प्लस 5, x से x कैंसिल हुआ, क्या होगा 360। लेकिन यदि आप लासा लेने से पहले इसमें कॉमन ले लें तो ज्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, 360 अंदर बचेगा 1 बटे x माइनस 1 बटे x प्लस 5, उसके बाद बराबर लगा के 1 लिखेंगे। अब ये 360 आखिर कहां जाएगा, 1 के नीचे जाएगा, तो लाइन खींचते हैं और लाइन खींचने के बाद लिखते हैं 1 बटा x माइनस 1 बटा x प्लस 5 और इधर लिख देंगे कितना, लिख देंगे 1 बटे 360। अब ये एक इक्वेशन हो गई है और इस इक्वेशन को हमें द्विघात समीकरण में चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे, आप लिखेंगे यहां पे, लिखेंगे जैसे ही लासा लेंगे तो x और x प्लस 5 हो जाएगा, x से x कैंसिल हुआ तो क्या बचेगा, x प्लस 5 होगा, माइनस लगाएंगे, उसके बाद x प्लस 5 से x प्लस 5 कैंसिल हुआ तो x आया। क्यों, क्योंकि x का 1 से गुणा हुआ। याद रखिएगा कि यदि यहां पे दो पद मिल जाए तो आप ब्रैकेट लगाकर ही ऊपर वाला लिखिएगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। यहां लिखा है 1 बटा 360, x से x उड़ गया, कितना बचा 5 बचा, x से x का गुणा हुआ x स्क्वायर प्लस का 5x बराबर का 1 बटा 360 हो गया। अब क्या करना है, इसको इससे गुणा करना है, x स्क्वायर प्लस का 5x और 360 को 5 से गुणा करना है। तो देखिएगा 5 0 0 हुआ, 5 का 30 हुआ, 30 हाथ से लगे 3 हुए और उसके बाद 5 या 15 15 3 कितना हो गया 1800 हो गया, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 1800। उसके अब इस 1800 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि घटाने पर कितना आ जाए, घटाने पर 5 आ जाए। तो क्या लिखेंगे, 1800 लिखेंगे और उसके फैक्टर करेंगे, कैसे करते हैं यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि 1800 लिखते हैं और इसके फैक्टर करना शुरू करते हैं। तो 2 से करेंगे आपको पता है 900 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा 450, फिर उसके बाद आपको पता है 2 से करने पर कितना आ जाएगा 2 और कितना आ जाएगा 5। उसके बाद अब आप इसको 3 से करेंगे, 3 सत्ताईस 21 हो गया, 3 पच्चीस 15 हो गया, फिर 3 से हो जाएगा कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा और उसके बाद 5 से होगा और यहां भी 5 से हो जाएगा। तो इस तरीके से इसके फैक्टर हो गए। अब कितना लाना है घटाने पर, हमें 5 लाना है। ध्यान से देखिएगा, 5 या 15 और 15 या 45, उसके बाद 2 दुनी 4, 4 दुनी 8, 8 पंच 40। तो क्या लिख सकते हैं ब्रैकेट में, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स क्या लिख देंगे 45 माइनस 40 और माइनस का 1800। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, क्या बताया मैंने, कहा कि 5 या 15, 15 या 45 और उसके बाद यहां से ये आया 8, 8 5 40। तो क्या लिख सकते थे ब्रैकेट में 45 माइनस 40। इसे अब आगे आप कैसे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 45 एक्स माइनस का 40 एक्स और माइनस के 1800 बराबर कितना 0। दोनों में कॉमन लेंगे एक्स प्लस 45 होगा और उसके बाद इन दोनों में कॉमन लेंगे 40 मिलेगा, x प्लस अंदर 45 हो जाएगा बराबर कितना 0। अब मिलेगा x माइनस 40 एक ब्रैकेट में, दूसरे में x प्लस 45 एक ब्रैकेट में बराबर कितना 0। लाइन खींचेंगे x माइनस 40 बराबर 0 मिलेगा और x प्लस 45 बराबर 0 मिला था। अब क्या हुआ कि आपने जो पिछला क्वेश्चन किया था वहां भी सेम ऐसा ही आया था, बस यहां प्लस और यहां पे माइनस था। तो क्या हुआ, x बराबर यहां से 40 हुआ और उसके बाद x बराबर यहां से माइनस का 45 हुआ, लेकिन माइनस का 45 आया है इसलिए ये क्या हो जाएगा, इसे हम लोग अमान्य मान लेंगे। तो ये हो गया अमान्य। एक लाइन आप अब यहां पे लिखेंगे, हम आपको बोलकर बता देते हैं, लिखेंगे अतः रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ये आपको लिखना पड़ेगा, अतः रेलगाड़ी की चाल
40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। यहाँ पे हम ऐसे कर देते हैं ताकि आपको पता चले कि अभी कुछ लिखना है। तो इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हैं, और यदि आपको वीडियो समझ में आया है तो जल्दी से आप लाइक का बटन दबा दीजिए और जितना भी हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। इस क्वेश्चन के बाद अभी एक क्वेश्चन हम आपको और बताने वाले हैं। अब जो ये क्वेश्चन आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके पेपर में 6 नंबर के लिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्वेश्चन को अंत तक जरूर देखें और यदि समझ में आता है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। शुरुआत करते हैं हम, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। इसका मतलब यह हुआ कि मैसूर और बेंगलोर क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 132 किलोमीटर है, और एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी जब जाती है तो सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। बिल्कुल क्लियर सी बात है। उसके आगे पढ़ते हैं, फिर लिखा है यदि एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। याद रखिएगा, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिलता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ऐसा क्वेश्चन आपको मिलता है तो आपको करना क्या है, सबसे पहले मानना है। और क्या मानना है, देखिए लिखा है 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो, इसका मतलब आपको एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल जो है वो जो सवारी गाड़ी है उससे 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक रखनी है। तो आपको मानना क्या है, आपको मानना है, माना सवारी गाड़ी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सवारी को मानेंगे और बाद में उसमें 11 जोड़कर एक्सप्रेस की चाल को लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे, माना सवारी रेलगाड़ी की चाल की जो चाल है, औसत चाल लिख सकते हैं आप, या चाल लिख सकते हैं कितनी हमने मान ली, x किलोमीटर प्रति घंटा है, ये हम लोग मान लेंगे। अब इस क्वेश्चन को दो हिस्सों में बांट देंगे और दोनों हिस्सों में चाल दूरी और समय की गणना करेंगे। तो पहले देखेंगे ध्यान से, यहां पे लिखेंगे हम लोग एक्सप्रेस, या फिर आप यहां पे सवारी लिख सकते हैं पहले, तो पहले सवारी लिख लीजिए, सवारी, और इधर लिख लीजिए एक्सप्रेस। बहुत कम ही लिखना पड़ता है मैथ में, और ये हो गया एक्सप्रेस। दो हिस्सों में हमने क्वेश्चन को बांट लिया। अब क्या हुआ कि जब सवारी रेलगाड़ी की बात थी तो सवारी रेलगाड़ी की जो चाल थी वो आपने कितनी मानी है, वो आपने मानी है एक्स किलोमीटर प्रति घंटा, और उसके बाद आपने इसकी चाल तो मान ली है, और उसके बाद इसकी दूरी कितनी है, दोनों के बीच की जो दूरी है वो 132 ही है, इसलिए क्या लिखेंगे, दूरी बराबर 132 किलोमीटर। अब आपको बहुत ध्यान से इसमें क्वेश्चन को देखना है, क्या देखना है कि लिखा है कि एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। इसका मतलब यदि देखिएगा ध्यान से, लास्ट में चाल पूछा गया है इसलिए टी को आप मान के लिख देंगे, तो क्या लिख देंगे, हमने ये माना कि जो सवारी गाड़ी थी उसको 132 किलोमीटर यात्रा करने में कितना समय लगता है, वो मान लिया हमने टी घंटा लगता है। बस इस केस को यदि आप समझ गए तो अगला इसको देखकर लिखेंगे। तो अब एक्सप्रेस रेलगाड़ी की जो चाल है वो कितनी होगी, वो होगी एक्स प्लस 11 होगी। क्यों, क्योंकि ये 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक रफ्तार से चलती है। बस आपको ये मानना है, क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं 6 नंबर के, और इससे बेहतर तरीका मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा है, और ना ही मैंने इस तरीके के क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किए हैं। ये तरीका मैंने अपने आप ढूंढा है और बहुत आसान तरीका है। बस इक्वेशन को आप ढाल दीजिए और उसके बाद द्विघात समीकरण को बना लीजिए। अब क्या है, इसकी दूरी क्या है, तो दूरी दोनों केस में सेम है क्योंकि दोनों एक ही स्थान पर जाती हैं, तो ये दूरी हो गई हमारी 132 किलोमीटर। अब उसके बाद फिर से एक बार देखिएगा, इसका जो समय है वो कितना है एक्सप्रेस वाले का, 1 घंटा कम समय। बस दो बातें ध्यान में रखनी है, 1 घंटा कम और 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक। समय कितना है, समय है टी, उसमें टी में से कितना घटाना है, एक को घटा देना है, टी माइनस एक हो गया, और ये कितना हो जाएगा, घंटा। बस अब आपको करना क्या है, करना ये है कि इसमें चाल बराबर दूरी बटे समय वाला एक फॉर्मूला लगाना है। तो बेहतर यही है कि आप समय बराबर, बहुत ध्यान से देखिएगा, समय बराबर कौन सा फॉर्मूला लगा दीजिए, दूरी बटे चाल, जैसे कि इसके पहले वाला क्वेश्चन किया है। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, इधर भी वही फॉर्मूला लगा देंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे कितना हो जाएगा,
चाल हो जाएगा। समय इसका कितना है, टी है, और दूरी कितनी है, 132 है। इसकी चाल कितनी है, इसकी चाल हमारी एक्स है, और उसके बाद इसे समीकरण नंबर क्या मान लेंगे, एक मान लेंगे। उसके बाद अब आप क्या करेंगे, इसी प्रकार इसमें लिखेंगे क्या हो जाएगा, समय कितना है, टी माइनस एक है, और दूरी कितनी है, 132 है, और उसके बाद चाल कितनी है, x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसे आप लिखेंगे और इसे समीकरण नंबर दो मान लेंगे। अब आपको करना क्या है, जैसा पिछले क्वेश्चन में किया, समीकरण एक का मान समीकरण नंबर दो में रखना है। कहां रखना है, समीकरण एक का मान समीकरण नंबर दो में रखने पर। अब आप इसे कैसे रखेंगे, पहले समीकरण नंबर दो को उतारेंगे, लिखेंगे टी माइनस एक बराबर 132 बटे एक्स प्लस 11 लिखेंगे। अब आपको करना है कि जहां टी लिखा हुआ है यहां पे 132 बटे एक्स लिखना है, तो यहां क्या लिखना है, 132 बटे में एक्स माइनस एक, उम्मीद है वहां से दिख रहा होगा, और उसके बाद इधर है 132 और ये हो गया एक्स प्लस 11। अब आपको ये करना है कि ये वाला पार्ट इधर लाना है, एक को उधर ले जाना है, तो वैसे ही करेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में किया गया है। क्या किया, इस पार्ट को इधर, एक को उधर, तो क्या लिखेंगे, 132 बटे में एक्स माइनस का 132 बटे में एक्स प्लस 11। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। देखिएगा, लासा लेने से पहले 132 को ऊपर से हटा दीजिए तो बचेगा एक बटे एक्स माइनस एक बटे एक्स प्लस 11 ब्रैकेट क्लोज, और ये हो गया एक, 132 नीचे जाएगा तो कितना हो जाएगा, एक बटे 132, और उससे पहले यहाँ पे लासा ले लीजिए, एक स्टेप थोड़ा सा पहले कर दीजिए। उसके बाद देखिए, एक्स से एक्स कैंसिल हुआ, कितना हुआ, एक्स प्लस 11। ये पार्ट इससे कैंसिल हुआ, माइनस का एक्स हुआ, इससे ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, 11। नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइ प्लस का 11x, और इधर हो जाएगा एक बटे 132। अब आपको इसको इसके साथ गुणा करना है, एक्स स्क्वायर प्लस का 11x और 132 को इससे गुणा करना है। तो देखिएगा कैसे गुणा करेंगे, पहले 11 को जैसे ही 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 22 हासिल लगेंगे 2, और 11 को 3 से करेंगे तो 33 आएगा, 33 में 2 जोड़ेंगे 35 हो जाएगा। उसके बाद 3 हासिल हुआ, 11 एकम 11, 11 और 3 कितने हो गए, 14 हो गए। ये लिख दिया गया, ये पूरा पार्ट इधर आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 11x माइनस के 1452 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, इस 1452 जो लिखा हुआ है इसके फैक्टर करने हैं, और ऐसे फैक्टर करने हैं कि घटाने पर 11 आ जाए। मुझे पता है क्या आने वाला है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा, 2 × 7 = 14, 2 × 2 = 4, और उसके बाद 2 × 6 = 12, फिर 2 से करेंगे आप तो 2 × 7 = 2, 3 × 6 और 1 होगा, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, फिर उसके बाद ये 3 से होगा, 3 × 3 = 3, 3 × 6 और 3 × 1 = 3 हो गया। उसके बाद ये 11 से होगा, तो फिर उसके बाद ये 11 से ही होगा दोबारा। देखिएगा मैं बताता हूँ, 11 × 3 = 33 हो गया, और 11 और देखिएगा 2 × 2 = 4, 11 को 4 से गुणा करेंगे 44, तो ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, 44 − 33, तो क्या लिखेंगे ब्रैकेट में, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स, और ब्रैकेट में लिखेंगे 44 − 33 और माइनस का 1452 बराबर कितना, 0। इसके बाद लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 44x माइनस का 33x माइनस के 1452 बराबर कितना, 0। दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, x प्लस 44 आ जाएगा, और उसके बाद माइनस का इसमें 33 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 44 हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा, 0। दो ब्रैकेट बनेंगे, एक बनेगा x प्लस 44 और दूसरा बनेगा x माइनस 33 बनेगा, ये हो जाएगा। अब आपको आखिर यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा और बताते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं क्या करता हूँ, पहले सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे उसके बाद इस क्वेश्चन को हम आगे हल करते हैं। तो उम्मीद है स्क्रीनशॉट हो चुका होगा, अब हम इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं, और देखिएगा कैसे करते हैं। क्या करेंगे आप, सबसे पहले लिखेंगे एक्स प्लस 44 बराबर 0, लाइन खींचेंगे, और लिखेंगे एक्स माइनस 33 बराबर 0, एक्स बराबर माइनस 44 जो कि क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अमान्य हो जाएगा, और उसके बाद यहां हो जाएगा एक्स बराबर 33, तो ये एक्स बराबर 33 आंसर आ चुका है। अब उसके बाद क्या होगा, आप लिखेंगे यहां पे अतः, बहुत ध्यान से आप देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखेंगे अतः सवारी गाड़ी की, अतः सवारी गाड़ी की चाल, गाड़ी की चाल, और आप स्क्रीनशॉट में देख लीजिए कि सवारी गाड़ी की जो चाल थी वो मैंने क्या मानी थी, x मानी थी, तो x की जगह पे कितना आ गया, 33 किलोमीटर
प्रति घंटा आ चुका है। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे आप एक्सप्रेस, एक्सप्रेस रेलगाड़ी या फिर गाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी। आपने क्या माना था x प्लस 11, तो x का मान 33 प्लस 11, उत्तर कितना आ जाएगा 44 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद है पूरा समझ में आपको आ गया होगा। और इस तरीके से ये पूरा चौथा अध्याय आज यहां से समाप्त होता है। लेकिन हम आपको इस चैप्टर से जो जुड़े हुए एग्जाम्पल हैं वो भी हम धीरे धीरे आपको समझाएंगे। और वो सारे एग्जाम्पल आपको कहाँ पे मिलेंगे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप जाकर प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, प्लेलिस्ट में आपका एक एक चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर मैंने बताया है। और ये क्लास लगभग शायद 26 या 27 नंबर की क्लास है, हाँ आई थिंक 27 नंबर की क्लास है। और 27 क्लास मैंने दी है आपको चौथे चैप्टर में, जिसमें से आपको 37 क्लास तीसरे चैप्टर में दी गई थी और 10 क्लास आपकी दी गई थी दूसरे चैप्टर में। तो इस तरीके से बहुत सारी क्लासेस हो चुकी हैं, लेकिन उम्मीद है सब कुछ बेहतर समझ में आ रहा होगा। और यदि बेहतर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता ही है, और साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। लॉकडाउन का समय है, पढ़ाई को जारी रखें और दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करके उनका भी थोड़ा सा बोझ कम कीजिए, जिसकी वजह से उनका थोड़ा सा जब बोझ कम हो जाएगा तो आपको भी थोड़ा सा फायदा होगा कि आपसे भी वो बोलेंगे कि आपने हमें वीडियो सेंड किया, मैंने पढ़ाई शुरू की। चलिए ये सब तो बातें हैं, आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। और अब इस चैप्टर के बाद हम आपको समांतर श्रेणियों वाला चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, और वो चैप्टर उसके बारे में ना तो आज तक आपने जाना है और ना ही उससे रिलेटेड आप कुछ जानते हैं। तो उस वीडियो में हम फिर आपसे मिलेंगे। आने वाले जो चैप्टर हैं उनमें भी आपसे हम बिल्कुल अच्छे से, जिस तरह से मैंने पिछले चैप्टर्स में पढ़ाया और इस चैप्टर में मैंने पढ़ाया, आपको लगातार ऐसे वीडियो में देता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।